आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। मैलर्दपल्ली रेलवे गेट पर गेटमैन की लापरवाही की वजह से एक नौजवान मोहम्मद फरीदुद्दीन ट्रेन की टक्कर से हलाक हो गए। मुकामी अवाम ने कहा कि ट्रेन आने से पहले गेटमैन सीटी बजाकर चौकन्ना नहीं करता है, इसके बाइस ये हादसा पेश आया। इन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रेलवे गेट पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए तवज्जो दे। हमारे को ये गेट के तरफ से सुबह का टाइम जो बच्चे स्कूल को आना जाना, पब्लिक आना जाना, लेबर वर्क काम करने वाले हैं उनके तरफ से यहाँ पे गेट के अंदर इतनी तकलीफ हो रही है। सुबह इससे पहले भी 8-10 दिन पहले हादसा होता होते बचा ये गेटमैन के हाथ के ऊपर। विजिल इन क्या करते हैं, हमें गेटमैन की लापरवाही है, बाहर निकलता नहीं, विजिल मारता नहीं। विजिल मारा भी तो डोर के सामने ढर के फ्री बोल के बजा के चले आता। भाई गाड़ी आने से पहले ठहरी के 2-4 विजिल ज़्यादा मार लेता तो किसी की जान बच जा सकती ना भाई। दूर पर रहने से गाड़ी आदमी समझ रहा दूर है बोल के, गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा रहती, पास हो तक लग जाती गाड़ी, तो इसका काम है रुकाना। जो मरने वाला कैसा भी मर जाता, मर गया। उनका क्या नाम है? मरून का नाम इम्तियाज भाई है। कहाँ के रहने वाले? मुगल्स कॉलोनी 6 नंबर गली में रहते हैं। क्या काम करते हैं? वो काम क्या करते हैं? मैरिड है वो? हाँ मैरिड है। उनके तीन बच्चे हैं उनके। कितने बजे हादसा हुआ? ये मगरिब के बाद हादसा हुआ है। मगरिब के बाद एक 5-10 मिनट के अंदर बाहर हादसा हुआ है। आज 6:30 बजे रेलवे गेट मैलर्दपल्ली के पास मोहम्मद फरीदुद्दीन नामी, जिनकी उम्र 35 से 40 साल के दरमियान बताई गई है, जो मुगल कॉलोनी के रहने वाले हैं, वो तरकारी लेकर आ रहे थे, पटरियों को पार कर रहे थे। उतने में ट्रेन आई, एक्सीडेंट होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया। और मैं मरहूम को अल्लाह ताला जन्नत में मगफिरत करे और उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे, उनके अफराद ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। और जो यहाँ पर हादसा पेश आया है उसके लिए हम अफसोस का इजहार करते हैं, क्योंकि जो ब्रिज का काम चल रहा है उसकी वजह से ये गेट को बंद किया गया है 6 महीने के लिए। और जितना भी काम होना था, ये पिलर्स का काम तो मुकम्मल हो चुका है और जल्द से जल्द इस ब्रिज को कम्प्लीट करने के लिए ये हम बलदिया कमिश्नर से भी मुतालिबा करेंगे कि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल करें। इस तरीके के जो हादसात है उसको रोकने के लिए ये ब्रिज का काम किया जा रहा है, लेकिन आज जो हादसा हुआ हम अफसोस का इजहार करते हैं और उनके एक्स ग्रेशिया के लिए भी डिमांड करते हैं। पब्लिक का ये कहना है कि पिछले कई बार भी यहाँ पर हादसे पेश आए, उसके बाद भी रेलवे डिपार्टमेंट और यहाँ के जिम्मेदार कोई एक्शन नहीं लिए। अब देखिए हादसा पेश आए, लेकिन वही हादसा पेश आने की वजह से तो सदर मोहतरम ने ये ब्रिज का प्रपोजल दिया ताकि इस तरीके के हादसा को रोकें, क्योंकि मुसलसिल अगर किसी को जाना भी पड़ता है तो 2-2 घंटे अगर ट्रेन आती है तो ट्रैफिक जाम हो जाती थी। ये देखते हुए सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस ब्रिज को सैंक्शन करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, लेकिन जल्द से जल्द मुकम्मल करना कंट्रैक्टर का काम है और होदेदारों से भी मैं कहूंगा कि वो काम को मुकम्मल करे जल्द से जल्द। मेरा भाई है, मेरा भाई छोटा भाई है, 30-35 साल का भाई है मेरा, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, 6 महीने का बच्चा है अवेज है, अवेज फरीद बोलते घर को जा रहे थे, घर राउंड के बहन के पास है, उनके पास है बहन, इंतजाम नहीं कुछ भी नहीं, क्या कुछ इंतजाम नहीं, कुछ जान लेंगे क्या कैसे अटका क्या कर रहे, कोई कंट्रोल नहीं है, सेंट्रल का भी कंट्रोल नहीं है आपके पास, कम से कम दूसरों की जानों की तो हिफाजत। तो जैसा कि आपने देखा नाजरीन क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।